हेलो गाइस, वेलकम टू आर आर ऑनलाइन मैथ्स। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो बेसिक से लेकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक देखे जा करके, जिससे क्या हो आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी ऐसी नई नई वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, x 2 3 प्लस y -1 1 बराबर 10 और ये 5। तब क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप x और y का मान बताएं क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल ही, बहुत ही सिंपल तरीके में इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या आएगा निकल के। आप एक चीज बताएं, जो लिखा है अगर इसका मल्टीप्लाई, यहां पे देखिए जो भी मल्टीप्लाई होगा सम में होता है। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो x का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बात समझ में। y का मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा -y, यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y, बराबर बोलो कितना ये दे रखा है, ये दे रखा है 10 और ये कितना दे रखा है 5। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये बात क्लियर है, बोलो। अब यहां पे देखिए इनको ऐड कराइए, सिंबल कैसा है प्लस का, यहां पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए जब ऐड कराएंगे तो यहां पे ऐड कराएंगे तो देखिए क्या निकलेगा, 2x - y। क्यों 2x - y, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2x - y, 3x + y। तो यहां पे 3x और प्लस का कितना है y, कर लिया ऐड करा दिया हमने। बोलो यहां पे कितना है, बोलो 10 है और यहां पे कितना है 5 है, क्लियर हो गई बात ये। बोलो अब क्या करो, कंपेयर करा दो इस वाले पार्ट का पहले वाले पार्ट का पहले से, दूसरे वाले पार्ट का दूसरे से। बोलो तो यहां पे निकल के आ गया 2x - y बराबर 10, समीकरण 1 बना ले बच्चा, बोलो बात समझ आ रही है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है 3x + y बराबर दे रखा है 5, बोलो इक्वेशन 2 बना ले, बात समझ में आई बच्चा। अब यहां पे जब समीकरण 1 व 2 बना लिया है तो क्या सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, जब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करोगे, देखिए माइनस और प्लस क्या हो गया कैंसल, तो जब ऐड कराएंगे क्या कर रहे हैं यहां पे, ऐड कराएंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 5x, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और 10 और 5 कितना हो जाएगा बोलो 15, बात समझ में आई। तो 5 3 कितनी बार गया 3, तो x बराबर क्या ये 3 नहीं आ जाएगा, बोलो तो x का मान ये 3 निकल आया, इसको किस में रख दें, बोलो पुट इन इक्वेशन वन। अब कहोगे सर इक्वेशन 1 क्या है, क्योंकि x का वैल्यू पता चल गया तो y भी निकल आएगा, इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें वैल्यू बराबर ही आएगा, 2x - y बराबर दे रखा है 10, बोलो समीकरण 1 है ये, रखो यहां पे 2x का मान रखा 3, यहां पे y बराबर कितना हो गया 10, 3 दुना कितना आ जाएगा बोलो 6, माइनस का y बराबर कितना है बोलो 10, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का y बराबर कितना है 10 माइनस का 6, बोलो बात समझ में आई। 10 में से अगर आप 6 घटा देंगे तो कहोगे सर माइनस का वाई, 10 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा सर, तो माइनस माइनस भी कैंसिल, तो क्या ये वाई बराबर आपका 4 नहीं निकला, बोलो वाई बराबर कितना निकला 4, तो एक्स बराबर 3 आपका और वाई बराबर 4, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्स बराबर आपका आ रहा 3 और वाई बराबर कितना आ जाएगा बोलो 4 आ जाएगा, बात समझ मारे कि नहीं। देखो यहाँ पे ये प्लस का पार्ट है उधर जाएगा, माइनस का हो जाए, सॉरी यहाँ पे 10 में से 6 चला गया प्लस का 4 बचेगा, तो ये माइनस का है, 10 में से 6 चला गया तो प्लस का 4 बचेगा, बोलो किसका, प्लस का 4 बचेगा, माइनस से डिवाइड कर दो तो ये माइनस का 4 आएगा, सॉरी तो यहाँ पे वाई बराबर कितना निकला है बोलो माइनस का 4 निकला है, एक्स बराबर कितना निकला है 3, ध्यान से देखिए ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में, 10 में से 6 चला गया तो प्लस का 4 बचेगा ना, देखो प्लस का 4 लिखा, माइनस का वाई है तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई बराबर माइनस का 4, समझ में आई बात ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें ही कर देते हैं, कोई दिक्कत है बोलो, या पलट देते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कह रहा है इफ 3, आप भी बुक लेकर बैठ जाइए, इफ 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, बराबर यहां पे कितना है एक्स 6 माइनस का 1, यहां पे 2w, क्लियर है, प्लस यहां पे बोलो प्लस दिख रहा है यहां पे 4 और कितना दे रखा है एक्स प्लस वाई दूसरा पार्ट जेड प्लस डब्ल्यू और यहां पे 3। तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड का मान बताओ, तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान, तीनों का मान बताना है, चारों का मान बताना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब, मैट्रिसेस जो 8 से 9 नंबर आता है आपको बिल्कुल आसानी से 8 से 9 नंबर ले सकते हैं, एक क्वेश्चन भी इसमें आपका छोड़ने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का नियम क्या है, पहले हमने क्या कहा था सम में गुणा होगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें और इसमें, मल्टीप्लाई पहले करो सॉल्व करने पर, 3x कर दिया यहां पे, यहां पे 3y, यहां पे 3z, यहां पे 3w। देखिए जब तीन कॉमन लेंगे तो तीन यही तो बाहर आ जाएगा, सब में मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक, सिर्फ नहीं एक ही में कर दें हम, इनको ऐड करा लीजिए, ऐड कराइए x में 4 क्योंकि सिंबल है प्लस, x प्लस 4 तो यहां पे x प्लस 4 आ गया, ये x प्लस वाई और प्लस कितना है 6, देखो यहां पे जोड़ दिया, या 6x प्लस वाई प्लस 6 करें, सॉरी 6x प्लस वाई करें या x प्लस वाई प्लस 6 करें, माइनस 1 प्लस का, तो माइनस 1 प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू जोड़ रहे हैं ना, इसको इससे जोड़ेंगे, ये वाला इससे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2w प्लस 3, इसको जोड़ दिया, बोलो कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए जल्दी कंपेयर कराते हैं, इसका कंपेयर इससे कराएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x बराबर यहाँ पे x प्लस 4, ये x प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस में, 3x माइनस x बराबर 4 हो गया, 3 में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x बराबर आ गया 4, 2 दुना 2 बार गया, तो x का मान आपका निकल आया 2, पहला तो मान हमें प्राप्त हो गया x बराबर कितना निकला 2। अब दूसरे पे चलते हैं, इस वाले पार्ट में बोलो कंपेयर कराओ, यहां पे 3y बराबर, बराबर का सिंबल है, यहां पे x प्लस y प्लस 6, बोलो यहां पे 3y, x का मान कितना है आप जल्दी से बताएं, x बराबर 2 है तो 2 यहां पे रख सकते हैं, बोलो x, देखो x बराबर 2 निकला है तो यहां पे 2 रखें, प्लस का वाई प्लस 6, बोलो ये प्लस का वाई है तो इधर आ जाएगा माइनस में वाई हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3y में से 2y वाई घटाएंगे तो 2y बचेगा, बराबर कितना है 8, 2 चौके, तो क्या y बराबर आपका 4 नहीं निकला है, बोलो इस बात से आप एग्री हैं, y बराबर कितना निकला है 4 निकल के आ गया आपके सामने। अब यहां पे जब y निकल आया x निकल आया तो z भी निकल आएगा, 3z बराबर यहां पे लिखो, 3z बराबर है माइनस 1 प्लस का z प्लस का w, बोलो बात समझ में आ रही, 3z कितना है माइनस 1 प्लस zw, अभी बताओ z कहीं w कहीं नहीं दे रखा है, कहीं पे दे रखा है नहीं दे रखा है, तो एक काम करें पहले 3w प्लस इसका कंपेयर करा लें तो जल्दी बात बन जाएगी, देखो ये इसको भी ले रहे हैं, पहले यहां पे एक काम करें 3w बराबर इससे कंपेयर करा लेते हैं, तो यहां पे 3w क्योंकि w का वैल्यू नहीं है ना, तो 2w प्लस 3, इसको घटाओ तो 3w माइनस 2w बराबर 3 आ गया, बोलो आ गया कि नहीं, इसमें से घटाओगे तो w बराबर कितना निकला है 3 निकल के आ गया, बोलो w का मान कितना निकला है 3 निकला है। अब यहां पे निकाल लो, w निकल आया, x निकल आया, y निकल आया, z निकालना है तो z भी निकल आएगा, 3z माइनस का 1 प्लस का जेड, डब्ल्यू का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 3, इसलिए यहां पे निकाल लिया हमने, यहां पे प्लस का जेड है तो इधर आ जाएगा माइनस में जेड हो जाएगा, अब माइनस 1 प्लस का 3 बचा, इसमें से घटाओगे तो 2z, यहां पे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या जेड बराबर आपका 1 नहीं निकला, बोलो जेड बराबर कितना निकल के आ गया 1 निकला है, तो हम कह सकते हैं जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई जेड बराबर बोलो कितना निकल आया 1 निकल के आया, क्या देखिए आंसर ये सही निकल रहे हैं हमारे पास, x बराबर कितना निकला हमारे पास 2, ठीक है, y बराबर देखिए हमारे पास कितना निकल रहा है 4, ठीक है, जेड बराबर जो हमारे पास निकल रहा है देखिए कितना है, जेड बराबर जो निकल रहा है हमारे पास 1 है, हाँ जेड बराबर सर 1 निकल रहा है, आप कहोगे डब्ल्यू बराबर सर क्या 3 निकल रहा है, हाँ सर डब्ल्यू बराबर भी 3 है, वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2, जेड बराबर 1, तो यही क्या आ गए इसके चारों आंसर आ गए एक्स वाई जेड के, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, हम मूव करते हैं,
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कह रहा इफ फंक्शन एक्स बराबर आपका दे रखा है यहां पे कॉस एक्स, यहां पे माइनस का साइन एक्स और ये जीरो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये जीरो दे रखा है, यहां पे साइन एक्स, यहां पे कॉस एक्स, यहां पे जीरो दे रखा है, यहां पे जीरो जीरो क्या दे रखा है, वन दे रखा है। तो आपसे कह रहा है दिखाइए कि सो दैट, दिखाइए कि फंक्शन एक्स, बोलो फंक्शन एक्स इंटू फंक्शन वाई बराबर फंक्शन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में बताना है। बोलो फंक्शन एक्स इंटू फंक्शन वाई बराबर जो प्रूव करना है या सो दैट, यहां पे क्या कह रहा है, सो दैट कहे या प्रूव दैट कहे, मतलब वही इसका पार्ट इससे लाना है या इसका इससे लाना है, एलएचएस बराबर आरएचएस कर देना है, ये तो आप लोग अच्छे से ये जानते हो। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं, यहां पे क्लियर है। अब एक काम करो, ऐसे फंक्शन में हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन एक्स हमारे पास आपका दे रखा है, फंक्शन एक्स दे रखा है, तो जब मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, क्यों मानेंगे, यहाँ पे देखिए क्लो यहाँ से मिल गया, फंक्शन एक्स दे रखा है लेकिन वाई नहीं दे रखा है, तो वाई के अपने पास से हम कुछ थोड़ी ना मानेंगे, जो क्वेश्चन दिया वहीं पे क्लो कुछ ना कुछ रखा है। जहाँ पे फंक्शन एक्स है मान लो वहाँ पे वाई, एक्स की जगह पे क्या रखो वाई, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रखो वाई, तो कितना हो जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो, यहाँ पे साइन एक्स सॉरी साइन वाई, यहाँ पे कॉस वाई, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो कितना है वन। देखिए जहाँ पे एक्स है यहाँ पे, वहाँ पे हमने क्या किया वाई कर दिया। अब क्या करो एल एच एस उठा लो, आर एच एस प्रूव कर देंगे, तो देख लो एल एच एस हमने उठा लिया, कितना है बोलो फंक्शन एक्स इंटू फंक्शन वाई, फंक्शन एक्स का वैल्यू आप रखें, फंक्शन एक्स दे रखा है कितना है बोलो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स जीरो, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो कितना है बोलो वन है, बात समझ में। इनटू इसका दूसरा रखो वाई वाला वैल्यू जो हम लोगों ने माना है, क्या बोलो यहाँ पे कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो, यहाँ पे साइन वाई, यहाँ पे कॉस वाई, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो कितना है बोलो वन है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, जिससे क्या है ऐसी नई नई वीडियो बनाने का हमारा मूड करता रहे, और जिससे क्या है आपको इसे नई नई वीडियो फ्री में प्रोवाइड हो। सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने में देखिए आपका कुछ नहीं चला जाएगा, कोई पैसा आपको नहीं लग रहा है सब्सक्राइब करने में, इससे क्या है सब्सक्राइब करने में हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हम आपसे कहते हैं बार बार, अदरवाइज हम कुछ कहें ना, ठीक है। इससे क्या लगता है कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, क्या करना है, लाना क्या आर एच एस, देखिए क्या लाना है, एक फंक्शन एक्स प्लस वाई लाना है, तो देखिए अभी कैसे निकलता है। मल्टीप्लाई करने का नियम जानते हैं अपना, बताइए क्या होता है, रो कॉलम सॉरी कॉलम रो रो रो, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से पहले, फिर दूसरे रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हो, फिर मल्टीप्लाई कॉलम से, ऐसे तो किया जाता है, बोलो करते हैं ना। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो करने का जो नियम होता है मल्टीप्लाई, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देखिए पहले कॉस एक्स कॉस वाई, क्या लिख देंगे कॉस एक्स कॉस वाई, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ऐड होता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, यहाँ पे साइन वाई, तीसरा वाला जीरो तो जीरो ही होगा, मतलब नहीं है, बात समझ में। तीसरा क्या हो गया जीरो, कोई मतलब नहीं, क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर भी प्लस लगा दो, क्योंकि जीरो रखोगे तो जीरो ही आता है, कोई मतलब नहीं होता है, डन है ये बात, बोलो क्लियर है ना यहाँ तक। आगे चलें आप, दूसरा वाला आप आ जाइए, दूसरे वाले में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमने पहले किया, इतना हो गया पहला वाला, दूसरे में आ जाइए, यहाँ पे आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई साइन एक्स साइन एक्स, यहाँ पे कॉस वाई, फिर साइन एक्स, फिर यहाँ पे कॉस वाई, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे कॉस एक्स, ध्यान से देखिएगा कॉस एक्स साइन वाई, फिर तीसरा वाला जीरो का जीरो से हो जाएगा, डन है। इधर आ जाओ, ये जीरो प्लस ये जीरो प्लस ये जीरो, तो ये जीरो तीनों आ गए, बात समझ में, पहला हो गया। दूसरे में आते हैं, इस वाले का, इस वाले कॉलम का इनमें रो में कराते हैं, इसका माइनस का
साइन वाई और ये कॉस एक्स, इसका मल्टीप्लाई कराओ प्लस माइनस माइनस का, साइन एक्स कॉस वाई, ध्यान से देखना साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस का, और ये क्या हो गया जीरो। क्लियर है? दूसरे में आ जाओ, यहाँ पे तीसरा दूसरा पार्ट, यहाँ पे इसमें कराओ माइनस का साइन वाई, यहाँ पे साइन एक्स, फिर प्लस का कॉस वाई, यहाँ पे कॉस एक्स, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, तीसरा वाला जीरो। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे फिर जीरो कराइए, तो जीरो फिर जीरो और फिर वन वन ज़ा वन, सॉरी किसका कराएंगे, इस वाले पार्ट का करा ना, दूसरे वाले का, देखिए जीरो जीरो जीरो, तीनों क्या आ गए जीरो आ गए। बात समझ नहीं कि नहीं, बोलो यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर जीरो का जीरो से हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, सॉरी इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर जीरो का जीरो हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे, जीरो का जीरो हो गया। थर्ड वाला पार्ट निकालते हैं, क्या निकालोगे, थर्ड वाले, थर्ड वाले में जब जाओगे तो जीरो का मल्टीप्लाई कराओगे, जीरो जीरो, पहला तो क्या हो गया थर्ड वाला, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कराने जा रहे हैं, तीसरा वाला यहाँ पे देखिए, जीरो मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ पे जीरो ही निकल के आएगा। इसका दूसरे में कराओगे जीरो जीरो जीरो, देखो यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, फिर यहाँ पे जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे वन आएगा, ये लास्ट वाला वन आएगा, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे लेकिन कितना आएगा बोलो, वन आएगा, ये आपका क्या निकल आएगा, वन आएगा, क्योंकि देखिए जीरो 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 जीरो, इसका मल्टीप्लाई फिर वन से, जीरो जीरो वन वन ज़ा वन हो गया। बात समझना ही इतनी क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर मिल जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। ये फॉर्मूला देखिए किसका बन गया, आप बताइए, उसको छोड़िए, तो जीरो है तो कोई मतलब नहीं, ये फॉर्मूला क्या कॉस है, कॉस बी माइनस साइन है, साइन बी बन गया, तो क्या बन गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, सॉरी ए माइनस है तो कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस एक्स प्लस वाई का बोलो फॉर्मूला बन गया कि नहीं, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, यहाँ पे साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब साइन एक्स प्लस वाई, ये माइनस नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान रखना कॉस एक्स प्लस वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। दूसरा आ जाओ, अगर माइनस यहाँ से बाहर ले लें तो ये फॉर्मूला देखिए प्लस हो जाएगा, तो साइन है कॉस बी माइनस प्लस कॉस है साइन बी, तो किसका बन गया साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ पे साइन ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई, बोलो साइन ए प्लस बी का बन गया। बात समझ में आई? ब्रेकेट ऐसे लगा देते हैं क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया था तभी तो यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पर भी माइनस आप बाहर लें तब प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इधर लेकर आ जाओ, या फिर ये क्या पार्ट है इसको इधर लेकर आ जाओ, या माइनस अगर बाहर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस मत लो, इधर ले आओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, कॉस एक्स प्लस वाई, और वहां पे कितना था बोलो, जीरो जीरो कितना है वन, जीरो ये वाला जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, पहले आप इतना बताएं, इतनी बात अगर आपको क्लियर है, और यहाँ पे देखिए ये जीरो और ये भी जीरो तो आया था, तो जीरो जीरो चाहे यहाँ पे लिख लो, ठीक है, इसको बड़ा कर लो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या किया ये देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब ये बताओ ये एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान से बताइए क्या है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और दे क्या रखा था फंक्शन एक्स इंटू फंक्शन वाई बराबर, ये जो फंक्शन हमने मल्टीप्लाई कराया क्या निकला बोलो, ये वाला पार्ट एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे फंक्शन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में निकला, तो ये क्या आ गया इसका आर एच एस, सो हम कह सकते हैं एल एच एस से प्रूव कर लिया हमने क्या आर एच एस, देखिए एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ गया, तो क्या आ गया आर एच एस में, और में फंक्शन एक्स प्लस वाई इंटू में दे रखा था एक्स, वाई को हमने मान लिया वहां पे उसको रख के, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंडीशन हमारे पास निकल गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, मूव करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कितने पार्ट हैं इसमें, दो पार्ट हैं, तो पहला पार्ट सॉल्व कर देते हैं, दूसरा भी पार्ट सॉल्व कर देते हैं, वैसे आप दूसरा सॉल्व कर सकते हैं लेकिन नहीं सॉल्व करते हैं, तो देखिए कह रहा प्रूव दैट या सो दैट पहला पार्ट कह रहा, सो दैट आप बुक लेकर बैठे हैं, सो दैट सिद्ध कीजिए कि या दिखाइए कि पहला पार्ट क्या दे रखा है, पांच माइनस एक, यहां पे छह, यहां पे सात, पहला दे रखा है, दूसरा कितना दे रखा है बोलो, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन,
यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना है? चार। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, बराबर क्या कह रहा? नहीं है। किसके बराबर नहीं है बोलो? दो तीन, यहाँ पे एक चार, ठीक है। दूसरा क्या है? पाँच छः, पाँच छः माइनस एक और ये सात, ये क्या है? सात दे रखा है। बुक आप उठा के बैठे, ठीक है, क्या है? माइनस वन और ये सात। आपसे क्या कहा? दिखाइए कि ये बराबर नहीं है। क्या कह रहा? बराबर नहीं है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक हम सॉल्व कर देते हैं, दूसरा आप सेम लगा लेंगे क्योंकि वहां डिजिट क्या है? सिर्फ तीन डिजिट दे रखा है। दूसरा वाला आप खुद से करेंगे और जब सॉल्व ना आए तब भी आप क्या करिएगा? कमेंट भी कर दीजिएगा, सर हमने नहीं लगा पाए इसका सेकंड पार्ट, तो हम आपको बता देंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए सेम ऐसे, ये टू गुड़े टू की मैट्रिक्स है, ये भी टू गुड़े टू की मैट्रिक्स है, यहाँ पे टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है, ये भी टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है। बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और ये कॉलम बराबर होना चाहिए। देखिए पहले एल एच एस उठाते हैं, क्या उठाते हैं? एल एच एस। एल एच एस कितना है? पाँच छः माइनस एक सात। बोलो ये कितना है? दो तीन, यहाँ पे एक और ये चार। एल एच एस उठाया, देखते हैं आर एच एस की नहीं है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे दो आए तो यहाँ पर भी दो आना चाहिए तभी बराबर होगा। यहाँ पे दो आए, यहाँ पे तीन आए, यहाँ पे चार आए, यहाँ पे पांच आए, डिफरेंट आए तो क्या बराबर नहीं होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। देखिए पहले रो रो एक कॉलम से करते हैं, फिर रो रो इस वाले कॉलम से। पहले का टू फाइव जा टेन, सिंबल हमेशा कैसा रहता है? प्लस का। पांच का दूना दस, बेसिक क्लास जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। पांच का दूना दस, फाइव वन जा फाइव, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। दो छंग कितना है? बारह। तीन सते कितना है? इक्कीस। तो प्लस का इक्कीस, ठीक। यहाँ पे दूसरे में आ जाओ, ये वाला उठाओ, फाइव वन जा फाइव, फोर वन जा फोर, तो माइनस का फोर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिक्स वन जा सिक्स, सात छंग कितना? सात चौके अट्ठाईस। बोलो ये बात क्लियर है? सॉल्व कर लो इसको, कितना निकल के आएगा बोलो? सात इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? सात बाईस, और ये कितना हो जाएगा? तैंतीस। बोलो बारह और ये इक्कीस कितना हो जाएगा? तैंतीस। इसमें से घटाओगे आपका आ गया एक, और ये कितना हो जाएगा? चौंतीस। देखते हैं क्या आर एच एस में भी यही निकल के आएगा। ये तो एल एच एस हमने निकाल लिया, आर एच एस देखते हैं। अगर यही आ गया तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? एल एच एस इक्वल टू नॉट आर एच एस, मतलब दिया गया कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। देखो यहाँ पे आर एच एस में कितना है? दो तीन एक चार। बोलो ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितना है? पाँच छः माइनस एक और ये सात। क्लियर है? बोलो ये डन, डन है ना? मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करने का नियम रो कॉलम, पाँच का दूना दस, सिक्स वन जा सिक्स, पाँच तीन कितना हो गया? पंद्रह। छः चौक कितना हो जाएगा? चौबीस। इसमें आ जाओ, ये वाला कॉलम ये रो में, माइनस टू वन जा टू, सेवन वन जा सेवन, प्लस का हमेशा सिंबल रहता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तीन वन जा तीन, सात चौके अट्ठाईस। बोलो सात चौके कितना हो जाएगा? अट्ठाईस। दस छः कितना निकला है बोलो? सोलह। इसमें से घटाओगे तो पाँच निकलेगा, यहाँ पे पंद्रह और पाँच नौ, यहाँ पे तीन एक तीन ही आएगा, उनतालीस। यहाँ पे घटाओगे कितना आ जाएगा? पच्चीस। तो देखो कहाँ पे इक्वल है भाई, ये देखो। तो कह सकते हैं हम एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं है। सपोज दैट यहाँ पे सात एक तैंतीस चौंतीस आता, यहाँ पर भी सात एक तैंतीस चौंतीस आता, तब आपका एल एच एस मतलब बराबर आर एच एस हो जाता है। तो आप उम्मीद है आप इसका सेकेंड पार्ट तो आप कर ही लेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका दमदार क्वेश्चन है एग्जाम के, एग्जाम में आने के लायक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं सॉल्यूशन क्या हमारे पास होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारे पास क्या है, कह रहा फाइंड मान ज्ञात करना है, किसका? ए स्क्वायर माइनस का फाइव ए प्लस का सिक्स आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़के आधे से ज्यादा लड़के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते कि आई का वैल्यू क्या है। यदि और आपसे कहा इफ, यदि ए बराबर ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है टू टू वन, यहाँ पे जीरो वन माइनस का वन, यहाँ पे वन थ्री और ये जीरो, ये कंडीशन दे रखा है। बोलो आप कहोगे सर इसका मान बताओ, तो देखिए इसका मान बताएंगे बहुत इजी तरीके से हम आपको इसका मान बताएंगे। एक चीज आप बताएं, ये जो फंडा दे रखा है ए स्क्वायर, बोलो यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का फाइव ए
प्लस सिक्स आई। अब कहोगे सर ये आई कहाँ से लाएं? हमने आपको पढ़ाया था कि आई जो है आइडेंटिटी यूनिट होती है। क्या होती है आई? आइडेंटिटी हमने आपको बताया था तीन डिजिट का, 3x3 का, 100, फिर 010 विकर्णता हम याद रखते हैं, 001 मतलब डायगोनल फॉर्म में। तो ये देख लीजिए डायगोनल फॉर्म में 11 है, बोलो यही क्या होता है आई का मान हमने बताया था। देखिए बेसिक क्लास आप जरूर पढ़े जा करके, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। हमने आपको फिर बताया बेसिक बहुत जरूरी है, इसका मान बताना है। ए स्क्वायर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखो इधर ए इंटू ए माइनस 5a और प्लस 6i लिख सकते हैं ना। तो a को कितनी बार? दो बार लिखा गया। तो a को मान यहाँ पे दो बार रखें, 221, यहाँ पे 01 माइनस 1, 130 एक बार लिखा, फिर एक बार और लिखेंगे, a का वैल्यू फिर 221 01 माइनस 1, 130 दो बार लिखा, माइनस 5, फिर a का मान रखो 5a, a का मान कितना यही रखोगे 221 बोलो 221 फिर 01 माइनस 1 130 बात समझ में आई? फिर प्लस 6i, i का वैल्यू कितना है बोलो, i का वैल्यू कितना है ये 100 010 001 आ गया, ये बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये रख दिया i का वैल्यू, यही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि i कहाँ से आ गया, है ना। i हमने पढ़ाया आपको आइडेंटिटी यूनिट क्या होती है तीन डिजिट में 3x3 की। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करा दो बस आपका आंसर आ जाए। पहले रो 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 पहले कॉलम से, फिर रो रो दूसरी कॉलम से, रो रो फिर तीसरी कॉलम से। बेसिक वीडियो देखे जाकर के समझ में आ जाएगा। देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 2 2 4, सिंबल कैसा रहता है प्लस, अगर माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाए। 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, सॉरी 2 2 4, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 2 2, 1 1 1 पहला हो गया, फिर इसी में कराइए दूसरे, 2 2 4, 2 1 2, फिर 1 3 3, फिर 2 1 2, 2 माइनस का 2, 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से आगे, बात समझ में? दूसरे रो में आ जाओ, 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0, 1 का मल्टीप्लाई प्राइस से 0, माइनस 1 का 1 से कराएंगे तो माइनस 1, फिर इसका मल्टीप्लाई 0, फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 1, फिर माइनस 1 का 3 से कराएंगे 3, फिर इसका मल्टीप्लाई 0, फिर 1 से कराएंगे माइनस 1 से तो माइनस 1, फिर इसका कराएंगे तो 0 हो गया। तीसरी वाली रो में आ जाओ, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 2, फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0, फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो 2, फिर यहाँ पे 3 1 3, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से, बोलो इतनी बात क्लियर है? हो गया इसका मल्टीप्लाई पहला वाला। दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे में सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई सब में कराना है, 5 का दूना 10, 5 का दूना 10, 5 का नम 5, 5 मल्टीप्लाई 0 से 5, यहाँ पे 5, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस का 5, 5 1 5, 5 3 15, 5 0 0, बोलो इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? डन है। प्लस 6 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी 6 का मल्टीप्लाई आप कराएं, जब 6 का कराएंगे तो 6 1 6 0, यहाँ पे 0 6 0, जहाँ पे 1 दिख रहा है तो 0 0 कितना हो जाएगा 6। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो क्लियर है ये? अब ये जब क्लियर है तो इसमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही अब क्या है बोलो? अब तो आप बेसिक फंडामेंटल सीखते आए हैं। 4 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे घटाओगे तो माइनस का 1 ही बचेगा, 2 यहाँ पे 2 बचेगा, 4 2 6 3 9 हो गया, यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो गया, 2 3 कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो गया, यहाँ पे बचा माइनस का 1, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बोलो यहाँ पे कितना है 10 0 5, 10 5 15, ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 माइनस 5 0, ठीक, ये थोड़ा स्पेस में लिख लेते हैं 5, ठीक, आप समझना है, ये 0 है ये 5 है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, क्लियर है इतनी बात कि नहीं? बोलो अब इसको सॉल्व करो आगे जल्दी से। पहले क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं इसको, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी आप बताएं, बोलो इसको इससे माइनस करेंगे या पहले इनको जोड़ लें तब घटा दें, तब भी एक बात है, पहले ऐड करा लेते हैं, तो इसको इसको जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं बॉडमॉस के नियम से, है ना, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा बोलो 11, फिर इसमें जोड़ेंगे 0 का तो माइनस, पहले इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा,
9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, माइनस 2 को 6 से जोड़ेंगे तो माइनस 2 प्लस का 6 कितना आ जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही बचेगा, 0 में 0 0 बचेगा, माइनस 1 का 0 से तो माइनस 1 ही बचेगा, माइनस 2 का 6 के तो 4 बचेगा। बोलो माइनस 2 प्लस का 4 बचेगा। यहाँ पे आ जाओ कितना है, 10 10 5, यहाँ पे 0 5 माइनस का 5, यहाँ पे 5 15 और कितना है 0। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या करें, हम लोग माइनस कर दें तो बात बन जाएगी। जब माइनस आप करेंगे तो सर कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिए, 11 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना निकल आया, बोलो 11 में से 10 घटाएंगे क्या 1 नहीं आएगा, बोलो 0 माइनस 1 से 0 घटाएंगे तो सर माइनस 1 ही आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्यों, देखिए 2 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 3 ही तो निकल के आएगा। 9 में से 10 घटाएंगे तो क्या, 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। बोलो 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। बोलो 5 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। बोलो 0 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। माइनस 1 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो माइनस 1 माइनस का 5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो प्लस का 5। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो हम कह सकते हैं जो हमारे आंसर निकल के आ गया, 1 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 1 4, 3 माइनस 10 4, यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या निकल के आता है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में 8-9 नंबर